खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम बात कर रहे हैं बेगूसराय संसदीय क्षेत्र की, जहां पे जो पूरे हिंदुस्तान में हॉट सीट बना हुआ है और यहां पे जो टक्कर हो रही है, त्रिशंकु टक्कर कहा जाए इसको। यहाँ पे तनवीर हसन, गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार के बीच में जो ये त्रिशंकु टक्कर हो गया है, इस वजह से ये काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं और स्वच्छ छवि के तनवीर हसन भी चुनाव लड़ रहे हैं। जनता किस तरफ झुकेगी कहना मुश्किल प्रतीत होता है। इसी संबंध में हम विचार जानने के लिए पंचायत प्रतिनिधि से रूबरू होते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र साहू है। सर, ये बताएं कि 2019 का चुनाव को आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? यह चुनाव वर्तमान में मोदी सरकार के विकास, मोदी सरकार, आपको लगता है कि गिरिराज सिंह यहाँ से जीत पा रहे हैं? कॉन्टेस्ट तो लगातार इस बार कॉन्टेस्ट किन के बीच कॉन्टेस्ट? उम्मीद है इस बार कॉन्टेस्ट में दोनों प्रत्याशी आएंगे। कौन? कन्हैया कुमार और गिरिराज तनवीर हसन। और गिरिराज सिंह नहीं है कॉन्टेस्ट में? गिरिराज सिंह है ना, उनके कॉन्टेस्ट में ये दोनों। अच्छा, ये दोनों जो लड़ रहे हैं सेकेंड पोजिशन के लिए? हाँ, कन्हैया कुमार और तनवीर हसन। एक नंबर में गिरिराज सिंह ही रहे, उन्हीं से टक्कर होगी, उन्हीं से टक्कर होगी। सर, क्या लगता है कि भूमिहार वोटर जो बेगूसराय में सर्वाधिक है, उनका वोट, क्योंकि दो प्रत्याशी हैं भूमिहार से, कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह, आपको लगता है कि भूमिहार वोट बढ़ सकता है? ये उम्मीद तो कब भूमिहार वोट गिरिराज को मिलेगा, गिरिराज को मिलेगा। सर, पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो ग्रामीण विकास है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्यों संतुष्ट हैं? सरकार का जो है संतुष्ट है। जैसे कुछ भी समय में कुछ बदलाव हुआ है, पहले मुखिया को द्वितीय अधिकार स्वयं था, अब उसमें बिहार सरकार की तरफ से उसे वार्ड के स्तर पर बढ़ दिया गया है। तो बेहतर है? हाँ है, अभी भी बेहतर है। क्योंकि 2006 के नियमावली और अब के नियमावली में क्या अंतर? अंतर तो यही है, अभी जो 2006 में जो था कि डायरेक्ट फंड जो आती थी ग्राम पंचायत को, उसमें मुखिया जी और पंचायत सचिव मिलकर विकास का काम किया था। अभी भी फंड विकास के कामों में भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा? नहीं, भ्रष्टाचार तो घटा ही है, घटा है। हाँ, पहले खुद मैंने विकास का जो फंड आता था मुखिया और पंचायत सचिव, अभी भी फंड आ ही रहा है मुखिया पंचायत सचिव के, लेकिन इस फंड को वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा काम का किया जा रहा है। तो भाई नहीं, 7 निश्चय में कितना फंड मिला आपको? लगभग 1.5 करोड़ रुपया पंचायत को। खर्च कितने हुए? खर्च लगभग हो गए, लगभग हो गए। शौचालय की क्या स्थिति है? ठीक है, शौचालय जिन लोगों ने बनाया भुगतान हो गया। कमीशन की भी बात सुनाई दे रही है? नहीं, कमीशन की बात ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिहार सरकार कहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण भोजन, आपके पंचायत में जो आंगनबाड़ी केंद्र, जो मिडिल स्कूल है, जहाँ पे मध्याह्न भोजन यानी MDM की योजना लागू है, वहाँ की विधि व्यवस्था, पठन पाठन और भोजन से आप कितना संतुष्ट हैं? आंगनबाड़ी केंद्र सुचारू रूप से चल रहा है, मध्याह्न भोजन जो है, चाहे स्कूल का प्राइमरी स्कूल हो या आंगनबाड़ी में, पूरी व्यवस्था तो ठीक है। और उसमें कुछ समय लोगों को, शिक्षक लोगों का थोड़ा समय इसमें लगता है, लेकिन एक दूसरा विकल्प ये भी है, गरीब बच्चे जो कुछ कम जिन्हें भोजन के लिए दिक्कत, वो भी लोग कम से कम मध्याह्न भोजन वहाँ के स्कूल जो आज तक नहीं जाया करते थे मध्याह्न भोजन, और प्रक्रिया तोड़ने के बाद वो लोग जा रहे हैं। के तहत ग्रामीण विकास,
2006 की नियमावली जो थी, अभी की जो नियमावली है, विकास किसमें बेहतर था? देखिए, काम उस समय भी होता था लेकिन विकास दिखाई नहीं पड़ता। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो उनका जो है सो सिस्टम जो चलाया गया है, साथ निश्चय अदरवाइज जो भी योजना है, उसमें जो है सो विकास दिखने को मिल रहा है। जैसे हम लोग हमें पंचायत को बात अगर कहते हैं तो आप देख सकते हैं जो भाई मैंने साथ निश्चय के अंतर्गत मैंने हम लोगों को उतना उपलब्ध राशि ही नहीं हो पाता। हम लोग में समरसता है। राशि कितना सात निश्चय में मिला आपको? सात निश्चय में अभी तक जो है सो हमको 1 करोड़ मिला। 1 करोड़ क्या सब काम हुआ? काम जितना है से गली नली पक्कीकरण, वो सरकार के निश्चय योजना था उसके अंतर्गत। शौचालय की क्या स्थिति? शौचालय की स्थिति बहुत बेहतर है। शौचालय ही निर्माण पेमेंट के लिए पेमेंट बहुत अच्छा है और जितना भी करीब 400-500 के करीब जो है सो शौचालय इस वर्ष हमने यहाँ जो है सो बना है और हर एक लाभुक को जो है सो भुगतान कर दिया। थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते 1% 2% अगर नहीं हुआ है तो उसका भी प्रोसेस में है, उसका भी होगा, उसमें क्या नहीं है। 2019 के चुनाव को आप किस नज़र से देख रहे हैं? बढ़िया नज़र से देख रहे हैं। क्या लगता है आपको यहाँ से कौन लीड करेंगे? यहाँ तो ये कन्फर्म है गिरिराज सिंह लीड करेंगे। सर आप भी भूमिहार हैं, कन्हैया भी भूमिहार हैं, गिरिराज सिंह भी भूमिहार हैं, क्या भूमिहारों का वोट बंदरवाट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? हम तो पहले आपको बोले राजनीति को निर्णायक वोटर हैं आप, सबसे निर्णायक वोटर हैं जी। सही बात है और निर्णायक वोटर रहेंगे। कन्हैया जी आए हैं अपना जो है सो वो भी अपना जो है सो मैंने मेहनत कर रहे हैं, कंपेनिंग कर रहे हैं, हर जगह बाहर से लोग ला करके यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के जो है सो उम्मीदवार हैं, कम्युनिस्ट पार्टी लोग भी जो है सो उनको जो है सो बहुत अच्छा ढंग से हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये परिस्थिति रहेगा नहीं, ये परिस्थिति जो है सो जो जो समय नज़दीक होता जाएगा परिस्थिति में बहुत बदलाव। नॉमिनेशन में तो काफ़ी भीड़ भारी दमखम दिखाया CPI ने। नॉमिनेशन से अगर लोग जो है सो जीत जाता तब तो अरे क्या हम उतना बोले, हम भी उतना जो है सो व्यवस्था हमारे पास में भी सामर्थ्य है जो हम भी जो है सो नॉमिनेशन उनके जैसा नॉमिनेशन कर सकते और उतना पब्लिक को हम जिता सकते। पब्लिक जो है सो वोटर होना चाहिए। बाहरी हम पब्लिक ला कर के यहाँ जो है सो मजमा हम खड़ा करेंगे तो उससे कोनो जो है सो फर्क पड़ता है करोगे। अब दूसरा नंबर गिरिराज जी का जो है सो चाहे पार्टी नेतृत्व जो है पहले बोल दिए थे जिन्हें जैसे नॉर्मली ढंग में जो है सो नॉमिनेशन करना है और एक दिन पहले वहाँ जो है सो कुछ हमारे वोटर के साथ जो है सो दुर्भाग्यपूर्ण जो है सो 8 लोग व्यक्ति जो है सो मैंने ट्रक के चपेट में आने के चलते यहाँ जो है सो उनका नॉमिनेशन को शॉर्ट कर दिया गया। ऐसा कोई बात नहीं है जो BJP के पास में जो है सो आदमी नहीं है, चाहे मैंने कौन ऐसा बात है। ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ के जो स्थानीय BJP के जो नेतृत्वकर्ता हैं गिरिराज सिंह के जुलूस में कहीं दिखाई नहीं पड़ते जी। थोड़ा जो है सो ये जैसे मान लिया जाए रजनीश जी वो बाहर के दौरा में थे और थोड़ा बहुत तो होता ही है जो स्थानीय है और बाहर तो थोड़ा जो है सो आवाज उठा लेकिन उन लोगों को जो है सो समझाया गया, बोला गया फिर ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रामलखन जी प्रॉब्लम है नहीं जो है सो रजनीश जी प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। लड़ाई किन से मान रहे हैं? लड़ाई तो तनवीर जी से हो रही है। तनवीर जी से कन्फर्म। अच्छा, ये कन्हैया कुमार तीसरे नंबर? हाँ तीसरे नंबर। जमानत बच रही है? हाँ जमानत बच रही है। जमानत बच जाएगी लेकिन
आपके कद्दावर नेता और बेबाक टिप्पणी करने वाले बोगो सिंह का दावा है कि एक गिलास पानी नहीं मिलेगा सीपीआई के उम्मीदवार को और कन्हैया का जमानत जब्त होगा। अपना अपना सोच है, लेकिन हम जैसे मैंने सोच रहे हैं कहे कि उनके पास जो है सो कुछ कम्युनिस्ट का भी जो है केदार वोट पर कुछ जो है सो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से भी थोड़ा बहुत उसमें मर्ज होगा, इसलिए हमको लगता है आप इस बात से मानते हैं कि तनवीर हसन मुस्लिम वोटर को एकत्रित करने में फेल्योर हो रहे हैं जी? नहीं, ऐसा कोई बात ऐसी भी कोई नहीं, वो अभी आप लोग को लगता है लेकिन वो रहेगा नहीं, तो सब तनवीर जी की जो है सो वोट देवे करेगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कन्हैया कुमार का यहाँ से नॉमिनेशन करना, बेगूसराय से नॉमिनेशन करना गिरिराज के जीत को पक्की करने के बराबर है। अब उतना तो जो है सो ज्यादा दूर जो है सो हम सफर नहीं करते हैं, लेकिन जो है सो इसमें क्या कहा जाए, गिरिराज जी तो यहाँ से जो है सो नवादा के सांसद थे और उनको पार्टी के पार्टी नेतृत्व ने बेगूसराय के लिए उनको यहाँ टिकट दिया, वो तो लड़ना भी नहीं चाहते थे, ऐसा कोई हमको नहीं लगता। एक सवाल और बहुत मतलब ये मेरे मन में और आम पब्लिक के मन में भी घूम रहा है सर कि भूमिहार जो मतदाता हैं इनका झुकाव युवा वर्ग की तरफ भी दिखाई दे रहा है। वहीं कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस रामलखन सिंह ने किया, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, भूमिहार वोटर एकत्रित हैं और भाजपा के साथ हैं, ऐसा उनका दावा है। क्या आपको लगता है कि कन्हैया कुमार भूमिहार वोटर के युवा वोटर को लुभा पा रहे हैं? 100% तो नहीं, लेकिन 10-5% थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 10-5% का 10-5 मैक्सिमम 10% हो